हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल डी एस जून। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम एक और घर का नक्शा लेकर आए हैं। दोस्तों, इस बार है इसकी चौड़ाई जो है वो 40 फीट है और इसकी लंबाई है वो 13 फीट है, मतलब पीछे की तरफ गहराई इसकी 13 फीट है। 2 दिन को वेट करते हो गया था इसी डिज़ाइन को लेकर, मतलब काफ़ी लेट हो गया दोस्तों, इसके लिए सॉरी। बट ये है कि मैंने आफ्टर ऑल एक डिज़ाइन तैयार कर दिया है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको डिज़ाइन अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, इसकी डिटेल में सारी की सारी जानकारी ले और शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक देखें, और बाकी सारी सारी डिटेल मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, व्यूअर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एक बार। ग्राउंड फ्लोर जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जैसे ही आपकी मेन एंट्रेंस यहाँ से होती है, मेन एंट्रेंस की चौड़ाई हमने लगभग 8 फीट के 7 फीट के करीब रखी है, लेकिन आप इसे ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन इसका फ्रंट का लुक इस तरह का डिज़ाइन किया है हमने। और जैसे आप एंट्री की तरफ आते हैं, आपको मिलता है स्टेयर्स एरिया, और यहाँ पर आपकी बाइक, स्कूटी, कार तो नहीं हो सकती पार्क, बाकी छोटे व्हीकल्स आपके का पार्क हो सकते हैं अच्छे से। और बाकी दोस्तों, एक तरफ में आपको एक रूम मिलता है जिसकी लंबाई चौड़ाई लगभग जो 13 फीट तो चौड़ा है ही, और इसकी 9 फीट, 9 से 9.5 फीट के करीब इसकी चौड़ाई हो जाती है दोस्तों। उसके बाद जैसे आपको ये स्टेयर मिलते हैं, दूसरी तरफ आप जैसे यहाँ इस दरवाजे से अंदर की तरफ जाते हैं, जैसे ही इस तरफ दोस्तों दूसरी तरफ इस दरवाजे से आप अंदर की तरफ जाते हैं, तो आपको मिलता है पूरा का पूरा लिविंग एरिया, और एक साइड में आपको किचन। किचन की लंबाई चौड़ाई 4 बाई 5 के करीब मैंने रखी है, मतलब 4 फीट चौड़ा और 5 से 5.5 फीट लंबा दोस्तों। उसके बाद एक पूरा किचन हो जाता है जो कि दोनों साइड से ओपन होगा। तो इस तरह का इसका इंटीरियर होगा दोस्तों, इस तरह से देखने में कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपको डिज़ाइन करने के बाद। और उसके बाद जैसे ही आपको पूरा का पूरा एरिया लिविंग एरिया बच जाता है, अंदर की तरफ आपको मिलता है काफ़ी 13 बाई 10 का कमरा, जो कि 13 फीट चो प्लॉट की चौड़ाई के साथ है ही, और 10 बाई लंबा दोस्तों आपके लिए कमरा हो जाता है दोस्तों। उसके साथ ही हमने एक उसी में से निकाल कर एक टॉयलेट और बाथरूम अटैच कर इसी में लगा दिया है जी हाँ दोस्तों, जो कि कॉमन यूज़ के लिए इस्तेमाल होगा। और दोस्तों, इसके बाथरूम के लिए, इस कमरे के बाथरूम के लिए हमने अभी कोई भी बाथरूम डिज़ाइन नहीं किया है दोस्तों। इसके लिए ऊपर की तरफ बाथरूम यूज़ होगा, मतलब इसके फर्स्ट फ्लोर पे जो बाथरूम होगा वो ही यूज़ होगा। और आप इसके लिए कुछ चाहते हैं तो अगर स्टेयर्स के नीचे आप बाथरूम डिज़ाइन कर सकते हैं, पर काफ़ी जगह नहीं होने दोस्तों, तो आपके दरवाजे की एंट्री नहीं हो पाएगी, इसलिए इसके लिए कोई बाथरूम नहीं है। ये एक तरह से गेस्ट रूम की तरह यूज़ होगा दोस्तों जी हाँ दोस्तों, इसकी जिसका बाथरूम ऊपर की तरफ होगा। इसके फर्स्ट फ्लोर के डिटेल में बताता हूँ, आपको घर का डिज़ाइन बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा दोस्तों। जैसे ही हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ आते हैं, तो इस तरह का घर का डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो जाता है, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है दोस्तों। फ्रंट से इसका लुक हमने इस तरह से रखा है, और ऊपर की तरफ से स्टेयर्स के लिए एक ग्लास का विंडो रखी है, जिसमें से आपको लाइटिंग वगैरह दिखेगी। कुछ फ्रंट का लुक कुछ इस तरह से निकल के आएगा दोस्तों घर डिज़ाइन करने के बाद। और दोस्तों, जैसे स्टेयर से आप ऊपर की तरफ आते हैं, आपको टॉयलेट और बाथरूम मिल जाता है, हर एक साइड में आपको लिविंग एरिया मिल जाता है खुला, क्योंकि नीचे एक कॉमन लिविंग एरिया नहीं होने की वजह से हमने एक ऊपर की तरफ काफ़ी खुला एरिया बन के लिए एक लिविंग एरिया डिज़ाइन कर दिया है, ताकि आपको काफ़ी कंफर्टेबली यहाँ पे कोई कंजस्टेड एरिया फील ना हो। और दोस्तों, उसकी तरफ हमने एक छोटी सी जगह छोड़ दी है, चूँकि जगह छोड़ने के बाद आपके तरफ जो कमरा होता है उसकी जो लंबाई है हमने वो 11 फीट रखी है दोस्तों। इस कमरे की लंबाई है वो 11 फीट है, और उसकी चौड़ाई लगभग हमने 10 से 10.5 फीट, ना सॉरी 9 फीट के करीब रखी है, क्योंकि आपकी पीछे आगे की तरफ जो गैलरी होती है वो काफ़ी थोड़ी मतलब नैरो हो, ज़्यादा नया हो जाए जिसकी वजह से, इसलिए हमने इसकी चौड़ाई कम कर दी है। और उसको भी ध्यान रखा, लगभग 3.5 फीट के करीब उसकी गैलरी को भी रखा है, क्योंकि हमने छज्जे के ऊपर दीवार को नहीं बनाया है, छज्जे को सिर्फ बालकनी के व्यू के लिए छोड़ दिया है। और दोस्तों, अंत पीछे का कमरा है वो काफ़ी नीचे वाले साइज़ के हिसाब से ही एडजस्ट किया है, मतलब जो नीचे का कमरे का साइज़ है वही ऊपर वाले कमरे का साइज़ हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये था इसके फर्स्ट फ्लोर का डिज़ाइन, ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, एक बार इसका बाहर से ओवरलुक देख लो, तो दोस्तों इसे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर ही कुछ इस तरह के जो डिज़ाइन बनाए हैं हमने, ऊपर के फ्लोर्स नहीं डिज़ाइन किए हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि जिनको ये डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट थी, उनको ये डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया होगा। सिर्फ उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो के कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी है, क्योंकि और वीडियो के बारे में बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस डिज़ाइन को लेकर। आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर कहें, हमें बहुत अच्छा लगा। अगर किसी तरह की कोई कमी लगे तो हमें कमेंट कर दें, कमी है तो कमेंट कर दें, हम किसी चीज़ को अवॉइड नहीं करेंगे, आपकी कमियों को पूरा करेंगे और आगे आने वाले डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट्स लेके आएंगे। दोस्तों, भी नए व्यूअर्स हैं, प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों। और दोस्तों, आपको आशा करता हूँ कि आपको ऐसी ऐसी नई वीडियोज़ आपके लिए मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।